हेलो व्यूअर्स, छोले कुलचे खाने का मन कर रहा है आपका? चलिए हम बनाते हैं। मैं रेडीमेड कुलचे लेके आई थी, उसके लिए मैं छोले बना रही हूँ, वेरी सिंपल एंड टेस्टी। मैंने यहाँ 200 ग्राम छोले पानी में सोख करके ओवरनाइट रखी हुई थी। भीगे हुए छोले को मैं प्रेशर कुकर में डालकर 15 या 20 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी। इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये रंग के लिए मैंने थोड़ा देगी मिर्च, थोड़े खड़े मसाले डाल दिए। जो आपको अच्छा लगता है वो खड़े मसाले डाल सकते हैं आप। इस छोले बनाने के लिए मैं आज ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। चलो प्रेशर निकलने के बाद छोले चेक करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो छोले अच्छे से पक चुके हैं, ये सॉफ्ट हो गया, मुलायम, ऐसे ही चाहिए हमें। छोले मैंने एक कटोरे में निकाल लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा कटी हुई हरी मिर्च, आप जितना चाहिए मिर्च स्वाद अनुसार ले लें, और 1 टमाटर कटा हुआ और 1 प्याज चॉप किया हुआ और 2-3 चम्मच नींबू का रस और हरा धनिया कटे हुए और 2-3 चम्मच हरा चटनी। इसे अच्छे से मिक्स करें और हमारा कुलचे की छोले तैयार। इसी तरह आप भी बनाइए, बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुलचे गरम कर देते हैं। थोड़ा सा बटर लगा के मैंने रेडीमेड कुलचे लाई थी, वो यहाँ गरम कर रही हूँ। दोनों साइड अच्छे से सेक के निकाल लें और हम प्लेट तैयार करते हैं। कुलचे एकदम हल्के और छोले कार्ब्स और प्रोटीन से भरपूर, पेट भी और मन भी दोनों खुश। अदरक के टुकड़े पतले करके छोले को सजाएं और प्लेट करें और खुशी से खाएं। सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, देखते रहिए फूड एंड ट्रैवल विद अस। बहुत स्वाद लग रहा है, आप भी जाइए किचन में भाग के बनाइए तो सही, आप भी खाइए तो सही।